अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं टोमेटो केचप, वो भी घर में होममेड है ये। चलें अब हम इंग्रेडिएंट्स के पास चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास टमाटर हैं जो हमने छील लिए हैं बॉईल करके, और यहाँ मैंने लिए हैं हरी मिर्चें, 6 से 7 अदद हरी मिर्चें ले लेंगे। और यहाँ हम लेंगे लहसुन, 4 से 5 अदद मैंने लहसुन लिए हैं यहाँ पर। लहसुन लेने के बाद हमने स्पाइस में सिर्फ कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च लेनी है हमें, और पिंच के बराबर नमक लेना है, और 1 प्याज है जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। ठीक है, हरी मिर्चें हमने इसलिए लिए हैं ताकि टेस्ट और ज़्यादा मज़े का है, हरी मिर्चों से टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। और यहाँ मैंने 1 गिलास पानी ले लिया है। चलें अब इसको हम कुक करते हैं। यहाँ मैंने एक पतीली में जो है टमाटर सारे ऐड कर दिए हैं अपने। टमाटर ऐड करने के बाद बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स जो थे हमारे पास, हरी मिर्च, कुटी हुई मिर्च, पिंच के बराबर नमक, स्लाइस में कटी हुई प्याज, वो सब डालने के बाद 1 गिलास पानी डाल के इसको हम सिर्फ पकाने रख देंगे। थोड़ी देर इसको पकाएंगे, इतनी कि हरी मिर्च और लहसुन थोड़े से हमारे गल जाए, हम इसको पका लेंगे। अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हम इसको पका लेंगे अच्छे तरीके से, और जब ये पक जाएगा तो फिर हम आपको बताते हैं इसके साथ क्या करना है। और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है घर में केचप, सो प्लीज़ इसको ट्राई करें। देखें ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है, हरी मिर्ची भी पक गई हैं और प्याज भी पक चुकी है, लहसुन भी पक चुका है। अब इसको स्पून की मदद से हम जल्दी जल्दी चलाएंगे और सारे टमाटरों को प्रेस करके तोड़ देंगे। यहाँ मैंने एक प्लेट में बैटर निकाल लिया है जो मैंने पकाया था, हरी मिर्चें, लहसुन, प्याज, कुटी हुई मिर्च, नमक, ये सब चीज़ों को डाल के मैंने पकाया था। अब इसको मैं एक ब्लेंडर जार में डालकर इसको पीस लूँगी। यहाँ मैंने ब्लेंडर जार में डाल के इसको अच्छे तरीके से पीस लिया है, ये डन हो चुका है। यहाँ देखें आप, ये इस लुक पर आया है। और अब मैं इसको छान लूँगी स्टैंड करके। देखिए मैंने पतीली रखी, उस पर छन्नी रखी और सारा बैटर डाल दिया, और इसको स्पैचुला की मदद से मैं सब छान लूँगी टमाटर को। देखिए इस तरीके से सारा मैं इसके छाना ज़रूरी होता है। छानने के बाद आप देख सकते हैं कि ये देखें कितने सारे दाने आए हैं, और ये हमारा बैटर तैयार हुआ है। अब हम इसे कुक करेंगे। पतीली को हम स्टॉक पे रख के डाल देंगे। यहाँ हमने डाल दी है चीनी, 2 टेबलस्पून चीनी डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। वैसे तो 1/2 कप चीनी आप डाल दें तो ज़्यादा बेहतर है इसके अंदर। और यहाँ सबसे एंड में हम ऐड करेंगे सिरका, या मैंने सिरका ऐड किया है, और ये डन हो चुका है। और मैंने इसकी सर्विंग कर ली है, और ये बहुत मज़ेदार बनता है, होममेड है, घर पे बनाएं, इसको पकौड़ों के साथ खाएं, फ्रेंच फ्राइज के साथ खाएं, समोसों के साथ खाएं, और इसे 1 मंथ स्टोर करके आप रख सकते हैं फ्रिज में, और ये 1 महीने तक बिल्कुल सही रहता है और इसको ईजीली यूज़ कर सकते हैं। चलें अल्लाह हाफ़िज़।